हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दी रामप्रसाद बिस्मिल. रामप्रसाद बिस्मिल वाज बोर्न इन शाहजहांपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंस, दैट इज उत्तर प्रदेश. यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे उत्तर प्रदेश को. इन और इनका जो बोर्न हुआ था वो कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 1897 सेंचुरी. ओके, सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस. रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो शाहजहांपुर विले मतलब विलेज नहीं, सिटी में बॉर्न हुए थे. और यूनाइटेड प्रोविंस था उस टाइम पे उत्तर प्रदेश, दैट इज़ यूपी, इन 1897 सेंचुरी. ही वॉज द किंग पिन ऑफ द काकोरी कॉन्स्पेरेसी वेर द रिवोल्यूशनरी हैच्ड अ प्लान टू रॉब अ ट्रेन कैरिंग द ट्रेजरी फॉर विच ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ. अब देखो, इन्होंने जो है वो एक किंग पिन किया था ऑफ काकोरी कॉन्स्पेरेसी. आपने देखा होगा काकोरी ट्रेन में जो लूट मचाई थी उसके बारे में थोड़ा बहुत किसी को पता होगा, नहीं भी पता है तो देखो, जो ट्रेन थी काकोरी जाने वाली, सो काकोरी जो ट्रेन जाती थी उसमें उन्होंने क्या किया था, रॉबरी किया था. जो ब्रिटिशर्स के जो मतलब राइफल वगैरह है वो उन्होंने चुरा लिए थे, और उन्होंने जो भी ट्रेजरी, जो भी खजाना और मतलब पैसे वगैरह इंडिया से, मतलब इंडियंस पीपल से जो भी कलेक्ट किए थे लैंड रिवेन्यू या फिर किसी और चीज़ को लेकर, तो उन सारे मतलब पैसों का, ट्रेजरी का उन्होंने क्या कर दिया था, रॉबरी कर दिया था. और ये सब काकोरी ट्रेन में हुआ था. तो इसलिए जो रामप्रसाद बिस्मिल है, इन्हीं का आइडिया था ये. ही वॉज द किंग पिन ऑफ द काकोरी कॉन्स्पेरेंसी वेर द रिवोल्यूशनरी हैच्ड अ प्लान टू रॉब अ ट्रेन कैरिंग इन द ट्रेजरी फॉर विच ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ. ठीक है, जिसके लिए मतलब ये इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, जब ये जब ये काकोरी ट्रेन को मतलब रॉबरी कर रहे थे उस टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी. रामप्रसाद वाज वन ऑफ द मेंबर्स हु फॉर्म्ड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. प्लीज़ अंडरलाइन करो, रामप्रसाद ही एक ऐसे मेंबर थे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट करवाया था. बेटा, भगत सिंह प्रेज्ड हिम एज अ ग्रेट पोएट राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी. ठीक है, भगत सिंह उनकी प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना. भगत सिंह जो थे उनकी हमेशा प्रशंसा किया करते थे. अभी स्टार्टिंग में जो हमने मतलब जो शेर और शायरी पढ़ी थी वो रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखी हुई है, तो इसी वजह से जो है वो भगत सिंह उनकी तारीफ़ किया करते थे एज अ ग्रेट पोएट और राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी. ठीक है, सो उर्दू और हिंदी दोनों में ही जो है वो काफ़ी अच्छा लिखा करते थे रामप्रसाद बिस्मिल, इसकी वजह से भगत सिंह उनकी तारीफ़ किया करते थे. सो प्लीज़ अंडरलाइन करो, बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम. ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल जो है उनकी पेन का नाम है जिस पेन से ये लिखा करते थे. प्लीज़ अंडरलाइन करो कि विच वॉज हिज पेन, विच वॉज रामप्रसाद बिस्मिल्स पेन, और विच वॉज द नेम ऑफ द रामप्रसाद बिस्मिल्स पेन. तो आपको आपको क्या आंसर करना है, बिस्मिल. रामप्रसाद की पेन का नाम था बिस्मिल. ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक्स कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बॉल्सेविकॉन. बॉल्सेविकॉन की करतूत फ्रॉम बंगाली. बंगाली में एक बॉल्सेविकॉन की करतूत करके एक बुक थी, और इंग्लिश में कैथरीन करके एक बुक थी. सो इन्होंने जो है वो इन दोनों बुक को मतलब ट्रांसलेट किया था, शायद हिंदी और उर्दू में किया था. अभी कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था वो लिखा नहीं है. ठीक है, सो हिज पोएम्स इंस्पायर्ड पैट्रियोटिक फर्वर अमॉन्ग द इंडियंस. और इनकी जो पोएम्स थी वो काफ़ी पैट्रियोटिक फेवर की होती थी अमॉन्ग द इंडियंस. मतलब पैट्रियोटिक मतलब देश भावना जगाने वाली, एकदम सम्मान, देश के लिए सम्मान पैदा करने वाली. जैसे कि दर व दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं.
ठीक है, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं। ठीक है, मतलब हसरत से नज़र करना मतलब एकदम प्यार से सम्मान से देखना अपने देश को। और खुश रहो अहले वतन, मतलब हमारा वतन खुश रहे, हम तो सफ़र करते हैं। सफ़र करते हैं मतलब हम अपने देश के लिए जान लुटाते हैं, बलिदान देते हैं। ठीक है, तो ये बिस्मिल ने लिखी हुई है ये शायरी। सो मतलब इस तरह की उनकी शायरी होती थी कि वो पैट्रियोटिक फेवर की होती थी अमॉन्ग द इंडियंस, इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलपमेंट करती थी। इस तरह की उनकी सारी मतलब पोएम्स और लाइंस वगैरह होती थी शेर व शायरी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल हैड सेट एन एग्ज़ाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल ये दोनों जो है वो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरलाइन करो हु वर द बेस्ट एग्जांपल और सेट एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो आंसर क्या आएगा, अशफाक उल्लाह खान एंड द राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, सो देवर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ये जो अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल है ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग। ठीक है, अभी ही वॉज मतलब सिर्फ अशफाक उल्लाह खान की बात हो रही है यहाँ पे। अशफाक उल्लाह खान जो थे वो हॉर्स राइडिंग मतलब घुड़सवारी करना और शूटिंग में राइफल शूटिंग हो गया उसमें ये काफ़ी एक्सपर्ट थे अशफाक उल्लाह खान। एंड ही प्रिवेंटेड द अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल इन द शाहजहाँपुर। देखो शाहजहाँपुर जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था वहीं पे इनका भी जन्म हुआ था क्योंकि ये चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इसीलिए वहीं पे ये मतलब पैदा हुए थे शाहजहाँपुर। इसलिए उनका बर्थ डेट नहीं दिया है यहाँ पे, बट यहाँ कहाँ पे पैदा हुए थे तो आप बोल सकते ना शाहजहाँपुर में भी अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ था। ठीक है, सो वहाँ पे जो आर्य समाज था, आपने देखा होगा आर्य समाज जो है वो यूपी में भी उसकी ब्रांचेस थी। सो यूपी के शाहजहाँपुर में जो है वो आर्य समाज टेम्पल था एक, उसमें उसमें जो अटैक हुआ था उसको रोकने के लिए, क्योंकि इनको राइफल शूटिंग बहुत अच्छी आती थी, तो उन्होंने इसको रोकने का काम इन्होंने किया था अशफाक उल्लाह खान ने। ही वॉज इन्वॉल्व इन द पानी मेनपुरी ट्रेन रॉबरी कॉन्स्पायरेंसी एज वेल एज काकोरी कॉन्स्पायरेंसी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अब ये जो अशफाक उल्लाह खान थे वो इन्वॉल्व थे मेनपुरी ट्रेन रॉबरी। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन रॉबरी में तो इन्वॉल्व थे ही, बट मेनपुरी ट्रेन को रॉबरी में भी जो है वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, सो आपसे पूछ सकते हु वॉज इन्वॉल्व इन द मेनपुरी एंड द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पेरेंसी। ठीक है, जो काकोरी और मेनपुरी कॉन्स्पेरी मतलब षड्यंत्र, मतलब षड्यंत्र मतलब एक प्लानिंग किसी चीज़ को करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, दैट प्लानिंग इज़ नोन एज कॉन्स्पेरेंसी। सो यहाँ पे रॉबरी करने का प्लानिंग किया था इन लोगों ने। तो ये जो अशफाक उल्लाह खान है वो मेनपुरी ट्रेन रॉबरी एंड काकोरी ट्रेन कॉन्स्पेरेंसी और रॉबरी में इन्वॉल्व थे एंड ही टू वॉज हंग इन द प्रिजन ऑन द सेम डे एज राम प्रसाद बिस्मिल। जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पे चढ़ाया गया, हंग मतलब फांसी पे लटका देना, फांसी पे चढ़ा देना। ठीक है, फांसी की सज़ा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, जिस दिन फांसी की सज़ा दी गई थी उसी दिन जो है वो ही टू वॉज हंग इन द प्रिजन ऑन द सेम डे एज राम प्रसाद बिस्मिल। दोनों जो फ्रेंड्स थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, उनको सेम डे पे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये रख दे कोई जरसी और जरासी खाक ए वतन, सॉरी जरासी आएगा इसमें। कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये रख दे कोई ज़रा सी खाक ए वतन कफन में। खाक ए वतन मतलब हमारे वतन की मिट्टी जो होती है उसकी खाक, मतलब थोड़ी सी जो मिट्टी की जो मतलब जो शहीद होते हैं उस टाइम पे जो शहीदों की जो राख मिट्टी में मिली हुई होती है उस खाक को हमारे
क्या, कफन में, कफन में मतलब जब मरते हैं तो कफन पहनाया जाता है वाइट कलर का या ब्लैक कलर का। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनको ब्लैक कलर का कफन पहनाया जाता है और हिंदुइज़्म में वाइट कलर का एक सफ़ेद कपड़ा होता है वो पहनाया जाता है जब कोई मर जाता है। तो जब कफन पहनाया जाता है शहीद होते हैं उस टाइम पे जो वतन की खाक है वो खाक ज़रा सी हमारे कफन में रख दो, बस इतनी सी आरजू है, मीन्स इतनी सी डिज़ायर है, इतनी सी इच्छा है। ये अशफाक उल्ला खान ने जब उनको फांसी पे लटकाया गया था उन्होंने ये बात कही थी, उसी को यहाँ पे मतलब नोट किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको शेर व शायरी मिलेगी वतन से रिलेटेड, वतन के प्यार और सम्मान से रिलेटेड। ओके, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ रीड अगेन दिस पैराग्राफ, इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ मैसेज मी और इन्फॉर्म मी, विल सॉल्व योर डाउट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।